भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, लोकप्रिय विधायक और मिल्कीपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री गोरखनाथ बाबा जी, विधानसभा के प्रभारी दिनेश पांडे जी, विधानसभा संयोजक जनार्दन मौर्या जी, अजय तिवाड़ी जी, संतोष शुक्ला जी, राधे श्याम त्यागी जी, मथुरा प्रसाद तिवाड़ी जी, बंशीधर शर्मा जी, अर्जुन सिंह जी, अवधेश पाठक जी, देवेंद्र सिंह जी, श्रीमती सरोज मिश्रा जी, राजू दास जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, आज पांचवें चरण के चुनाव प्रचार के लिए मैं आपके बीच में आया हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि पांचवें चरण का चुनाव प्रचार मैं अयोध्या जनपद से प्रारंभ कर रहा हूं। सबसे पहले देश और दुनिया के अंदर भगवान श्री राम की जन्मभूमि के लिए विख्यात सूर्य वंश की राजधानी अयोध्या को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। सरयू मैया को भी मिल्कीपुर से ही प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल पहले जो कहा सो करके दिखाया। हमने जो कहा वो करके दिखाया ना। याद करिए, 5 साल पहले भी मैं आया था ना, तब भी मैंने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। पूरा हुआ ना। आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया कि नहीं हुआ है? क्या ये काम समाजवादी पार्टी करा सकती थी? क्या ये काम बहुजन समाजवादी पार्टी करा सकती थी? क्या ये काम कांग्रेस करा पाती थी? भाइयों बहनों, कांग्रेस ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर ताला लगा दिया था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय राम भक्तों पर गोलियां चली थी और सैकड़ों राम भक्त मारे गए थे और बहुजन समाजवादी पार्टी क्या बोलती थी अयोध्या के बारे में, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। भाइयों बहनों, मैं तो केवल आपसे कहने के लिए आया हूं कि पूरी दुनिया आज अयोध्या की ओर देख रही है। पूरी अयोध्या यानी पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ देख रही है। अयोध्या का मतलब अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के कार्य का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी 2020 में प्रारंभ कर चुके हैं और अगले वर्ष तक अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर के तैयार होगा। आज दुनिया आपको इस भाव के साथ देख रही है कि जब अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करना है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही डबल इंजन की सरकार रहनी चाहिए और इसी के लिए आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। आप भी यही चाहते हैं ना? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 2017 के पहले बिजली मिलती थी? आज तो मिलती होगी ना। देखो, 2017 के पहले बिजली की भी उत्तर प्रदेश में जाति और मजहब हुआ करता था। ईद और मुहर्रम होता था तो बिजली आती थी, होली और दीपावली में बिजली गायब रहती थी। ये सच है ना? आज तो बिजली 24 घंटे है। और भाइयों बहनों, अयोध्या का दीपोत्सव भी सबकी समझ में आ रहा है ना, कैसे दीपावली होता है। गरीब के घर में मिट्टी के दीपक बनते हैं और उसको जब खरीद करके दीपक जलाया जाता है तो पूरी दुनिया जगमगाती है अयोध्या के साथ में।
गरीब का घर भी संपन्न होता है और अयोध्या की दीपावली देश और दुनिया के लिए सस्ती भी दिखाई देती है। यह है हमारी अयोध्या, यह है अयोध्या। और अयोध्या को उसके गौरव के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। यही तो है, हमने बिजली देने में भेदभाव नहीं किया। मुझे एक बात बताओ, कोरोना महामारी है ना, कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? सभी ने वैक्सीन ले ली है। वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा? और भाइयों बहनों, ये वैक्सीन का प्रभाव भी है कि वैक्सीन जिन लोगों ने ली, कोरोना दूर दूर तक नहीं आया वहां। मुझे बात बताओ कि वैक्सीन भी आपको दी गई फ्री में, टेस्ट भी फ्री में, उपचार भी फ्री में, और डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का मिला कि नहीं मिला? राशन मिला है ना? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार भी में भी ऐसे ही राशन मिलता था? बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, कांग्रेस के समय, भाइयों बहनों, जब ये लोग आपके सुख दुख में सहभागी नहीं हो सकते, इनको सिर में ढोने की आवश्यकता क्या है? इनको विसर्जन कर देने की आवश्यकता है। सहमत है? मुझे एक बात बताइए, कोरोना काल खंड में प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश के अंदर जा रहे थे, मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा था, हमारे सांसद विधायक पदाधिकारी जनता जनार्दन की सेवा में लगे थे, क्या सपा बसपा कांग्रेस के लोग भी क्या आपका हालचाल लेने के लिए आ रहे थे? किसी का आता पता था? भाइयों बहनों, वैक्सीन के बारे में भी इन्होंने दुष्प्रचार किया था ना, कहा था ना कि ये मोदी वैक्सीन है, कहा था ना ये बीजेपी वैक्सीन है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन से हमारी जान बचती है तो हमें इस वैक्सीन को लेकर के इसी का साथ भी देना चाहिए। सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, 5 साल में याद करिए, 5 साल में हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने 43,50,000 गरीबों का मकान बनाया है पूरे प्रदेश में, 43,50,000। और अकेले अयोध्या जनपद में लगभग 48,000 गरीबों का मकान बना है। हमने मकान देने में कोई भेदभाव किया क्या? हर गरीब को मिला है ना? और जब विकास की योजनाओं में भेदभाव नहीं, बिजली में भेदभाव नहीं, बिजली के कनेक्शन में भेदभाव नहीं, शौचालय के निर्माण में भेदभाव नहीं, और लाखों किसानों का कर्ज माफ भी हुआ, और आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी प्राप्त कर रहा है, कोई भेदभाव आया क्या? क्या ये सब योजनाएं सपा की सरकार के समय मिलती थी क्या? समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद पहला निर्णय क्या किया था मालूम है? जिन आतंकवादियों ने हमारे आराध्य भगवान राम के मंदिर पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का शर्मनाक काम किया था। सपा समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ, उनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति है, उनकी संवेदना गांव के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं है। आज आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी ने एक कंप्लेंट की है चुनाव आयोग से, और कंप्लेंट क्या की है उन्होंने? कंप्लेंट की है कि
सरकार युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन जो दे रही है एक नहीं देना चाहिए। हमने तय किया है अभी तो 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं, 10 मार्च के बाद आने दीजिए सरकार 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे 2 करोड़। और स्मार्टफोन और टैबलेट का खर्चा, यानी जो लोग उसका उपयोग करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन कंपटीशन के लिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, उस खर्चे को ले उस प्रकार का खर्चा भी मां बाप के ऊपर नहीं आने देंगे, यह खर्चा भी सरकार उठाएगी। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी को इसी पे आपत्ति है, वह नहीं चाहती है कि प्रदेश का विकास हो। हमारी सरकार के समय तो सब नर करही परस्पर प्रीति, चलय स्वधर्म निरत सुरत नीति, राम राज्य की स्थापना के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तब उसकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति थी। पेशेवर माफिया और अराजकता पैदा करने वाले तत्वों के प्रति थी। तब वह दंगाइयों का सहयोग कर रही थी। कौन सा ऐसा कस्बा, कौन सा ऐसा जिला था जिसमें दंगे नहीं होते थे? इस समाजवादी पार्टी की पहचान दंगों से थी, अपराधियों से थी, माफियाओं से थी, अराजक तत्वों से थी। और भारतीय जनता पार्टी की पहचान राम राज्य की स्थापना के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं से है, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं से है। और भारतीय जनता पार्टी की पहचान अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर के है। एक हाथ में विकास की छड़ी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का स्टीयरिंग, दोनों एक साथ चलते हैं। और इसी में समाजवादी पार्टी को परेशानी है, विपक्ष को तो इसी बात की परेशानी है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आया हूं यहां पर बाबा गोरखनाथ के पक्ष में, समर्थन में आपसे अपील करने के लिए। देखिए, जब अयोध्या की 5 सीटें जीतेंगी तो भाइयों बहनों, ये 5 सीटें जीतेंगे तो उत्तर प्रदेश में 325 सीटों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। 325 सीट का मतलब एक मजबूत और दमदार सरकार होगी, दमदार सरकार। आप दमदार और मजबूत सरकार चाहते हैं ना? कि समाजवादी पार्टी की दमदार और मजबूर सरकार, दमदार और मजबूर नहीं, दमदार और मजबूत सरकार, ये कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी। कौन देगा? आप सभी सहमत हैं? देखो, मैं अयोध्या की शुरुआत बाबा गोरखनाथ के चुनाव क्षेत्र से कर रहा हूं, क्योंकि बाबा गोरखनाथ की कृपा से ये पैदा हुए थे। और इसीलिए मैं यहीं से प्रचार भी कर रहा हूं, जिता करके भेजेंगे सभी लोग। लेकिन जीतने की पहली शर्त है, चुनाव के दिन 27 तारीख को चुनाव होना है ना, 27 तारीख को पहला काम क्या? मतदान। पहला काम सभी लोग करेंगे, इधर भी उधर भी पीछे भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, सभी लोग सहमत हैं? बाबा गोरखनाथ भारी वोटों से जीतेंगे। आज से घर घर जाकर के वोट मांगेंगे कमल निशान पर सभी लोग, तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।